पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। महंगाई को बीजेपी स्वीकार कर ले, महंगाई को बीजेपी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत था उम्मीदों से देखा, हमने बहुत था उम्मीदों से देखा, किस्मत में अब भी है गरीबी की रेखा। कभी आके रसोई का दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। वादे थे बड़े सब खाक पड़े, लाइन में खड़े हम खूब सड़े। वादे थे बड़े सब खाक पड़े, लाइन में खड़े हम खूब सड़े। सुन सुन कर मन की कहनी, हाँ ये जान निकल जाए ना कहीं, हालत ना कहीं खस्ता कर दे, थोड़ा कुछ तो सस्ता कर दे। हालत ना कहीं खस्ता कर दे, थोड़ा कुछ तो सस्ता कर दे। जब दाम बढ़े नहीं चैन पड़े, बिजली ना मिले जब रेन पड़े। माना तुम सारे दलों से ही बड़े हो, दिल्ली में झाड़ू के नीचे पड़े हो। माना तुम सारे दलों से ही बड़े हो, दिल्ली में झाड़ू के नीचे पड़े हो। फ्री के फंडे से अपना उद्धार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार, और आखिरी सुने सुने भैया। माना कि देश पे निसार सारा जीवन, ये भाजपा को मैं मानता हूं। माना कि देश पे निसार सारा जीवन, हमने थामा है तभी आपका ये दामन। किला बेच देंगे और प्लेन बेच देंगे, हमें ना पता था आप ट्रेन बेच देंगे। हमें ना पता था, ये थोड़ा मैं भक्त आपका हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर 1080 का है, इतनी पेट में गैस भर रही है उससे ज्यादा। अब सुनना, किला बेच देंगे और प्लेन बेच देंगे, हमें ना पता था ये ट्रेन बेच देंगे। अब की 24 में झोला तैयार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। बीजेपी महंगाई को स्वीकार कर ले, कभी आके रसोई का दीदार कर ले, झूठा ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। उनकी अपनी पीड़ा है कि कविता का पेमेंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि कभी समझ में नहीं बुलाते। नहीं, पर तूने कह तो दिया झूठा ही सही, अब बुला लेंगे। ये सवाल तो पब्लिक भी पूछती होगी आपसे कि भाई साहब वो सब ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन महंगाई बहुत है। मैंने तो उसका जवाब दिया कविता के रूप में दिया, ये पिछले 2-3 महीने से, जब से, क्योंकि जो पिछले महंगाई तो 2-3 महीने से नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, और पहले भी मोदी जी ने उस पर लगाम लगाई है, और निश्चित रूप से जैसे ये वार खत्म होता है पेट्रोल डीजल के दाम उस पर आते हैं, और निश्चित रूप से उस पर लगेगी। अभी 105 से पेट्रोल लगाम लगने के बाद 104 और जो सिलेंडर का रेट बड़े भाई बता रहे थे 1080 रुपये, कांग्रेस के शासनकाल में 1200 रुपये था 2014 के अंदर। बताइए सर, इनको शर्म नहीं आती? किसको? इनको महंगाई की बात कर रहे हैं, किसको? मुझको? झूठे कहीं के देशद्रोही। मैं
मैं समर्थन में हूँ भाजपा के, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई है ही नहीं पूरे देश में। बीजेपी नेताओं को हम दिन रात सुना करते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कट्टर बीजेपी का हूँ, बीजेपी नेताओं को हम दिन रात सुना करते हैं, पूरे परिवार के हम साथ सुना करते हैं, आज 12 बजे से पेट्रोल का दाम गिरेगा यही सोच के हम मन की बात सुना करते हैं। और आगे सुनिएगा, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, इनको महंगाई की पड़ी है। नींबू के हम अब मोल को लेके बैठे हैं, बता रहे नींबू बढ़ गया है, नींबू के हम अब मोल को लेके बैठे हैं, तेल पे छाती पीट रहे हैं, ढोल को लेके बैठे हैं, राम राज के सपने को जल्दी पूरा करना है, वो राष्ट्रवाद पे चिंतित हैं, पेट्रोल को लेके बैठे हैं, राष्ट्रवाद को मतलब राष्ट्रवाद पे चिंतित है, हम पेट्रोल को लेके बैठे हैं, अपने ही किए गए वायदे गिना रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है, अपने ही किए गए वायदे गिना रहे हैं, बिजली खर्च करने के फायदे गिना रहे हैं, इधर सरकार को बिजली देने में दिक्कत है, उधर व्हाट्सएप पे भक्त कटौती के फायदे गिना रहे हैं। कटौती के फायदे देश का आम आदमी अमृत काल में है और डीजल पेट्रोल अपने स्वर्ण काल में है। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया सर, कल मैं पेट्रोल गिरवी रख के अपने बापू की जमीन छुड़ा के लाया। अब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, अगर देश में रेट बढ़ रहे हैं कुछ सोच समझ के ही बढ़ रहे हो, है ना, ये मैसेज आता है अक्सर। अब तेल पे रोज पैसे बढ़ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बढ़ रहे होंगे, क्योंकि सरकार बिना सोचे तो सोचती भी नहीं है, है ना। अगर लोग आप पे आरोप लगाते सर आपकी सरकार पे डीजल महंगा पेट्रोल महंगा, मुझे बुरा लगता है, दिल से बहुत दिल से बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में कुछ अच्छे काम नहीं हुए, सिर्फ डीजल पेट्रोल महंगा, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, सिलेंडर महंगा हुआ, और मैंने एक भाजपा कार्यकर्ता से पूछा, यार पहले 450 का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए का आ रहा है, तो कहता है सुन सस्ता रोए बार बार। महंगा रोए एक बार, और पहले तो सर सिलेंडर का रंग लाल होता था, आजकल तो सिलेंडर देख के आदमी की लाल हो जा रही आंखें, आदमी की आंखें लाल हो जा रही है, और आंखें क्या आदमी पूरा लाल हो जा रहा है, ऐसा लग रहा फेशियल करवा के आया अभी। और कल तो मेरा सिलेंडर मुझसे कह रहा था सर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिलेंडर ने कही है ये बात, धन्यवाद।